आगरा में बढ़ते तापमान को देखते हुए आगरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हीट वेव को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। आगरा का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय तापमान की बात करें तो लगभग 47 डिग्री तक पहुंच गया। खास तौर से कामगार लोगों के लिए, बच्चों के लिए बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये गर्मी उन्हें बेहद परेशान कर रही है। और यही वजह है कि आगरा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनाई गई हैं, जिनको विशेष तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। यहाँ तक कि आगरा ज़िला अस्पताल हो या फिर CSC PSC, वहाँ कोल्ड रूम बनाए गए हैं, जिसमें विशेष तरीके की सुविधा मुहैया कराई जा रही है कि हीट वेव से जो लोग परेशान होते हैं उन लोगों को तत्काल उपचार मुहैया कराया जाए। यहाँ तक कि आगरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आगरा की जनता से भी अपील की है कि अगर हीट वेव से किसी को भी दिक्कत होती है तो निश्चित तौर से नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें, और हीट वेव से अगर आपको बचना है तो जो एडवाइजरी जारी की है, तन को कपड़े से ढककर बाहर निकलें, शीतल पेय का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, इन्हीं चीज़ों से हीट वेव से बचा जा सकता है, क्योंकि आगरा में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। देखिए, करीब एक माह पूर्व से ही इस बात का ख्यास लगाया जा रहा था कि इस वर्ष गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ेगी। इसके लिए राष्ट्रीय आपदा और राज्य आपदा द्वारा विशेष रूप से कई निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अंतर्गत हम लोग ने प्रचार प्रसार के साथ प्रशिक्षण और अन्य कार्य को भी अपने चिकित्सा जितने भी प्रतिष्ठानों को पूर्ण रूप से सुसज्जित कर रखा था कि इस तरह की कोई भी आपदा अगर आती है तो उसको हम लोग पूरी तरह देख पाए। इसको देखते हुए जो निर्देश जारी किए गए थे उसमें के आधार पर हम लोग ने विभिन्न जो लोग हैं, चाहे स्वयंसेवी संस्थाएँ हों, विभिन्न एसोसिएशन IMA हो, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हो, व्यापार मंडल हो, इसे सहयोग भी मांगा था और इन लोगों को इस बारे में अवेयर भी कराया गया था। इसके अतिरिक्त सारे विभागों के साथ एक गोष्ठी भी हुई थी, सारे विभागों की जिम्मेदारी, खास तौर से जैसे नगर निगम कोशी शीतल पेय की व्यवस्था या छायादार जगहों की स्थान की व्यवस्था किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त हमारे चिकित्सा प्रतिष्ठानों में सब जगह कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई है, मिनिमम 20 आइस पैक्स रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त बैठने की जगह में कूलर या AC की व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है और गर्मी में या किसी तरह की उसको दिक्कत होती है तत्काल उसको उपचार मिल पाए। साथ साथ हमारे जो नेशनल विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो IBSK के माध्यम से स्कूलों में जाना हो, आंगनबाड़ियों में जाना हो, अथवा संचारी रोग दस्तक के माध्यम में आश्रम द्वारा घर घर में भ्रमण किया जा रहा है, इसमें भी लू के बारे में लोगों को लगातार अवेयर किया जा रहा है। और विभिन्न आप लोगों के जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को लगातार अवेयर कर रहे हैं, और जिस तरह का टेम्परेचर आगरा में विगत 2 दिनों में देखने को मिला है, ये बहुत ही अलार्मिंग है और 47 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुँच रहा है। ताजमहल में भी विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं, चूँकि बहुत दूर से यहाँ पे पर्यटक आते हैं और काफ़ी ओपन हिस्सा है और उनको गर्मी से दिक्कत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए वहाँ पे विशेष रूप से 2 अलग से क्लिनिक बनाई गई हैं, जिसमें मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ दिया गया है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, साथ में आई हेल्प यू के माध्यम से भी लोगों को तत्काल चिकित्सा उपचार पहुँचाया जा रहा है। जहाँ आवश्यकता हो रही है हमारी टीमें हाई अलर्ट पे हैं, लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जा रहा है। अभी तक विगत दिनों में जो हमारा एक UDSP पोर्टल है, उसके माध्यम से चिकित्सालयों से हम लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस पे पूरी तरह निगाह रखे हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हीट वेव या लू से ग्रसित हो तो उसको तत्काल उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिल पाए और हम लोग रोकथाम के साथ उसका उपचार। आम जनमानस के किस तरह की अपील की जाती है कि भीषण गर्मी है, अगर कोई स्वास्थ्य बिगड़ता है तो तत्काल संपर्क किया जाए, टीम भी बनाई है, उनको प्रशिक्षण भी दिया गया, किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया? देखिए, इसमें 2-4 जो हमारे पूर्व से प्रचार प्रसार जैसे हैंडबिल्स, पोस्टर और हमारी छोटी छोटी फिल्में भी चल रही हैं, इन माध्यम से लगातार लोगों को ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा गर्मी में बाहर ज़्यादा देर तक ना एक्सपोज हो, विशेष तौर से दोपहर में आवश्यक हो तभी निकले, और अगर निकलना अत्यंत आवश्यक हो तो पूरे कपड़े पहने, छत पे सर पे कोई छाया रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें, और किसी प्रकार का भी अगर दिक्कत हो रही है या प्यास लग रही तत्काल शीघ्र ही किसी ठंडे स्तर पर चले जाएँ या छायादार स्तर पर चले जाएँ, और टेम्परेचर कम होने के बाद ही उपरांत वहाँ से मूवमेंट करें। यदि कोई सिम्टोमेटिक या कोई सिम्टम्स आते हैं, लाइक मूर्छा का आना या चक्कर आना, कमजोरी लगना, पसीने का ना आना, घबरा
इस तरह की कोई दिक्कत है तत्काल निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या जो भी उपचार केंद्र हो वहाँ पर जाकर उपचार ले सकते हैं। काफ़ी मात्राओं में ORS के भी हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है गाँव में आशाओं के माध्यम से, जिससे कि अगर किसी को आवश्यक हो तत्काल ORS का घोल वो पी सकते हैं और अपने आप को हाइड्रेट रखें। साथ साथ में मैं जरूर कहूँगा कि यदि किसी भी व्यक्ति को अगर आप अकेला है और दिक्कत में देखें तो उसकी सहायता भी करें, क्योंकि काफ़ी लोग अकेले रहते हैं। खासतौर से मैंने ये देखा है कि जो बिल्डिंग मजदूर होते हैं अथवा मजदूरी में लगे रहते हैं वो अपने व्यवसाय में भूल जाते हैं और काफ़ी देर तक गर्मी में एक्सपोज रहते हैं, तो वहाँ पर उनको मदद देने की आवश्यकता है। या इस तरह की कोई भी अगर आपको दिक्कत है तत्काल आप चिकित्सा लोग हरिओम जी, टोल बार बनाया गया है यहाँ पर, किस तरह के हीट के मरीज़ आ रहे हैं और क्या स्थिति है, किस तरह की सुविधाएं आप लोग यहाँ दे रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ कोल्ड रूम बनाया गया है, जो इस समय टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको देखते हुए सरकार की प्राथमिकता है कि जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग जो है इलाज बाहर नहीं करा सकते हैं, वो सरकार की मेहनता को देखते हुए हमारे SIC महोदय ने यहाँ सरकार की मंशा को लेकर के कोल्ड रूम बनाया गया है, जिसमें जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग यहाँ आके नहीं एडमिट होते हैं, जो हमारे यहाँ 60 साल से ऊपर के लोग यहाँ एडमिट रहते हैं। कितने मरीज अभी तक आ चुके हैं? इस समय लगभग आए दिन मरीज आ ही रहे हैं। इस समय गर्मी का सीजन है तो SIC महोदय ने उसकी ऑक्सीजन की भरपूर व्यवस्था है, दोनों वार्ड में AC की व्यवस्था कर रखी है, मॉनिटर की व्यवस्था कर रखी है और कोल्ड चेन की भी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। जिस मरीज को ज़्यादा हीटिंग होती है उसके लिए स्पंजिंग करने के लिए पाउच होते हैं उसके जो है आइस पैक के, उनको मंगवा करके कोल्ड बॉक्स में रखवा दिया गया है, जिससे मरीज का टेम्परेचर को डाउन करने में बहुत आसानी रहेगी। हीट स्ट्रोक के जो मरीज आ रहे हैं, जो मरीज कितने दिन तक उन्हें भर्ती रखा जाता है? उसके मरीज के ऊपर डिपेंड है, जब तक वो ठीक नहीं होता, स्वस्थ नहीं होता, तब तक उनको भर्ती किया जाता है। ठीक। न्यूज़ स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान।